चार वर्षथी डी डिविजन में फरज बजावता एसीपी ए बी राजगोरनो विदाय समारंभ योजायो हतो। गुजरात विधानसभा की चूंटनी ने हवे गणतरी दिवसों बाकी रहा है, तेवामां विविध विभागों अधिकारियों की बदलीओ करवामां आवी रही है। तेवामां शहरना गोत्री जेपी रोड पोलिस स्टेशन विस्तार डी डिविजनना एसीपी ए बी राजगोरनी गांधीधाम कच्छ पूर्व में बदली थी हती। एसीपी बदली थता तेवनो विदाय सम्मान समारोह जेपी रोड पोलिस स्टेशन खाते योजायो हतो। हिंदू मुस्लिम अग्रणीओए एसीपी ए बी राजगोर ने पुष्पगुच्छ आपी विदाय आपी हती अने एसीपी ए बी काटकड़नु स्वागत करवामां आव्युं हतुं। चार वर्षना कार्यकाळ दरमियान करेल कामगीरीना अनुभव ने साझा पण कर्या हता। आज जेपी पोलिस स्टेशन में एसीपी राजगोर साहेब ने विदाय समारंभ राखवामां आव्यो हतो अने आवनार नवा एसीपी साहेब नो आवकार समारंभ राखवामां आव्यो हतो। हवे एसीपी राजगोर साहेबनी वात करिए तो एमने चार वर्ष आ विस्तार में फरज बजाई छे अने चार वर्षनी अंदर नाना मोटा वडीलोना तमामना दिलों में ए वसी चूक्या हता अने अहींया कोईपण धार्मिक त्यौहार होय के कुदरती आफत होय पोते जेपी नो स्टाफ साथे खड़े पगे रही अने सेवा बजावी छे अने लोकोना जे त्यौहारो छे ए शांति रीते पूर्ण थाय एवा एमने घना प्रयत्न कर्या छे अने सफल भी थया छे। अने खास करीने हूँ एक बात चोक्कस कहीश के कोरोना महामारी थी पूरो देश आपणो ज्यारे झजुमतो हतो त्यारे तांदलजा विस्तार में एमने सोसायटीओं में मस्जिदों में अने मोहल्ला में जईने लोकोने लॉकडाउन बारा में जे समझ आपी अने लोकोने घरे राखी अने कोरोना थी जे बचाव्या छे अने जरूरतमंदोनी जरूरत पूरी करीने जे एमने अहींया फरज बजावी छे ए क्यारे भूली ना शकाय। हूँ तांदलजाना तमाम नागरिकों वती एसीपी साहेबनो खूब खूब आभार मानू छूँ। पहला तो हूँ मारा डी डिविजन विस्तारना जेपी रोड तांदलजा विस्तारना तमाम आगेवानो तमाम जेमणे आजे मारा प्रत्ये अंगत लागणीओ व्यक्त करी छे मारो विदाय समारंभ राख्यो खूब सरस मजानो ए बधानो हूँ आभार मानू छू। मारा अहीं चार वर्षनो समय क्यारे कई रीते पूरो थयो अने एटलो आनंदथी पूरो थयो के સમયને રોકી શકાયો નહીં અને સમય વહેતો રહ્યો અને એ જ રીતે આનંદમાં દિવસે દિવસે વધારો થતો રહ્યો। દરેક તહેવારોમાં અને દરેકે દરેક પ્રસંગોમાં ખૂબ જ સારી રીતે અમારો સમય પસાર થયો। ખાસ હું તમામ વિસ્તારના લોકોનો આભાર માનીશ કે મારા સમય અહીંનો જેટલો બી સમય ગયો એ દરમિયાન એક પણ કોઈ મોટો કોમ્યુનલ બનાવ નથી બનેલો કે એક પણ એવા બનાવો નથી બનેલા જેથી કરી અને બહારથી પણ પોલીસને બોલાવીને કોઈ બંદોબસ્ત જાળવવો પડ્યો હોય। ખૂબ જ લોકો અહીંના સમજુ છે સારા છે અને તમામ મળી સંપીને રહે છે એવું મારા ચાર વર્ષના અનુભવે કહું છું। આગળ જતાં પણ એ લોકો એટલો જ મળી સંપીને રહેશે અને પોલીસને પણ તમામ કાર્યોમાં એટલો જ સાથ સહકાર આપતા રહેશે એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું।